हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम एट दीक्षांत सेरोटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर, और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पार्ट 6। टॉपिक वही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो पिछले पार्ट में हमने बेसिकली डिवीजन जो हम लोग सीख रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसको कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए थे हम लोग, और थर्ड टॉपिक हमने शुरू कर दिया था, है ना, जिसमें हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और उसके कॉन्सेप्ट को समझे थे। तो आज हम लोग इसी को और कंटिन्यू करेंगे, इसमें कुछ हम लोग वर्क करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे उससे रिलेटेड, और वेरीफाई स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, इसको भी हमने बेसिकली कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को वेरीफाई भी किया था, है ना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, तो कोशिश करेंगे कि जो इसमें का है एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे, जो बचा है उसको कंप्लीट करेंगे, और कुछ वही न्यूमेरिकल अगेन एप्लीकेशंस, मतलब कोशिश रहेगा हमारा कि इसी पार्ट में बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं कवर हो जाएं, और इन केस अगर कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ रह जाता तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे इस पार्ट को। ठीक है, इस चैप्टर को तो शुरू करते हैं। तो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में क्या जाना था पिछले पार्ट में, कि एक ऐसा इक्वालिटी जो ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के किसी मैंने सभी वैल्यूज के लिए वो ट्रू हो जाए, तो ऐसे ही आइडेंटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब इसमें इन्वॉल्व इन इट मतलब कहने का मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं उस आइडेंटिटी में, जैसे हम लोग पढ़े थे वो ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए और बी के किसी भी वैल्यू के लिए, कोई सभी ए और बी के प्लेस पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमेशा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूज है जो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जैसे एक मैंने आपको बताया था कि कोई हो एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस सेवन, है ना, अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। तो अब यहाँ आप x का कोई सा भी वैल्यू रखेंगे, आप पाएंगे कि दोनों ही साइड इक्वल हो रहा है। जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू हम लोग रख देते हैं 0, शुरुआत 0 से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 5 मतलब LHS हमारा, और ये हो जाएगा 0 प्लस 7 7 तो कितना हो गया 35, और RHS क्या हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 0 प्लस 35, तो ये भी आप 35 ही पाएंगे। आप देख रहे हैं x का वैल्यू 0 जब हमने रखा तो LHS और RHS इक्वल हो गया, लेकिन 0 के अलावा अगर हम कोई और वैल्यू रखते हैं 1 रखते हैं x इज इक्वल टू 1 तो LHS क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 5 6 इंटू 8 48 हो रहा है। अब यहाँ पे भी RHS में हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 प्लस 35 कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 12 13 प्लस 35 48 ही हो रहा है, देख लीजिए इक्वल आ रहा है। मतलब ये क्या है, एक आइडेंटिटी, बट ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नहीं है, ये सब हम लोग सिर्फ यहीं पे यूज़ करेंगे, इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये हम लोग मेनी प्लेसेस पे हर काफ़ी जगह पे इनको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग पिछले पार्ट में कवर किए थे, इसके अलावा भी कुछ था, जैसे देख लेते क्या क्या हमने वेरीफाई किया था पिछली बार। इसको हमने वेरीफाई कर लिया था कि हाँ ये होता है इतना बराबर, सेकेंड ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया था इनको। एक और आइडेंटिटी है जिस पर हम लोग अभी बात करेंगे, और वो कौन सा है हमारा, वो एक फोर्थ नंबर है, जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी।
जिसका होता है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो LHS क्या हो जाएगा, सब वैसा ही है, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी और एक्स ए प्लस ए बी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्स बी और एक्स ए है, इसमें आप देखेंगे दोनों ही टर्म में x इन्वॉल्व है, x कॉमन है, तो x को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो x कॉमन हो गया तो क्या बचा, a बचा और b बचा, यहाँ पे a बचा और यहाँ पे b बचा, तो a को पहले लिख देते हैं, b को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a को पहले लिख दिए, b को पहले, प्लस में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉमन क्या था हमारा x, तो x को हम लोग बाहर इस तरफ रख देते हैं, प्लस ए बी। अब देखिए तो ये हमारा आर एच एस है क्या, इसको प्रूव्ड कही या वेरीफाइड कही बात देखिए, वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके साथ एक और है, एक और क्या मतलब इससे मिलता ही जुलता है, इसी के बेस पर है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी का आप समझिए सब पार्ट है, सेम ही है वो सब चीज। तो जैसे इसमें एक और ऐसे हो जाते हो सकता है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a प्लस में है b माइनस में है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, यहाँ भी b माइनस में आ गया और x और माइनस ए बी। अब माइनस क्यों हो गया, क्योंकि b माइनस में है और a प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, एक और हो क्या होगा, तो x को माइनस में कर देते हैं और b तो b को भी माइनस में रहने देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए x भी a भी माइनस हो गया और b भी माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस हमारा कॉमन हो जाएगा, और जब माइनस कॉमन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो a प्लस बी हो गया, ठीक है। अभी और ये माइनस और माइनस प्लस ए बी, ठीक है, सब उसी पैटर्न पे है, केवल क्या हो रहा है प्लस माइनस चेंज हो रहा है। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि x माइनस ए, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को प्लस कर देना चाहिए था, अब ये दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, तो जब यहाँ पे हम लोग प्लस कर दिए हैं तो चेंज करना पड़ेगा, इधर क्या होगा देखते हैं। तो ध्यान दीजिए माइनस ए है प्लस बी है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे आप तो ए जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा और बी हो जाएगा माइनस में, मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा और फिर माइनस प्लस माइनस ही हो गया, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप याद कर सकते हैं, और नहीं तो आप स्वयं इसको वेरीफाई कर सकते हैं, प्रोसेस आपको बताया गया उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए भी माइनस में बी भी माइनस बी है, ए और बी दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव कॉमन, और जैसे ही निगेटिव कॉमन करेंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ए प्लस बी पॉजिटिव, और अब निगेटिव ए इंटू निगेटिव भी पॉजिटिव ए भी हो जाएगा। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप समझ गए हैं तो आप ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे, अगर एक भी आपको ये मेन फार्मूला याद है तो, ठीक है, प्रयास करिएगा। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, सारी बातें एक बार में नहीं समझ में आती हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, आप रूल्स जानते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको वेरीफाई करिए, याद करिए, धीरे धीरे ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज थे हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, उनको यूज़ करके कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या y प्लस फोर इंटू वाई प्लस फोर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y प्लस फोर टू दी होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस टू इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे ध्यान दीजिए, गौर करें इस पे, तो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है y है और b के प्लेस पे 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब ये कैसे हुआ, तो हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला, सिंस ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है, फॉर्मूला को मेंशन कर दिए, क्योंकि कैसे आया
ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए ये मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किए मेंशन करना पड़ेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 4 8 y प्लस 4 4 16, ये अगर आप इस आइडेंटिटी को यूज़ नहीं करते तो आपका ये आप मल्टीप्लाई आप कर किए ही कितना लेंदी होता है, आइडेंटिटी आपने यूज़ किया, दो स्टेप में आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, नहीं ये a है, यहाँ भी a है, ये b है तो यहाँ भी b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं, शुरू शुरू में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत होगा, अगर आप फॉर्मूला याद कर लिए आप क्विकली बना सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया ये a है और ये प्लस बी, हाँ इसको हम a क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2z सेम है, दोनों 4 और 4 सेम है, तभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। क्यों हुआ, ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका उल्टा भी सही होगा ऑब्वियसली। अब 2z का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करने का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे z का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर किए 4, z का स्क्वायर किए तो z स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर 16, यही हो गया आंसर। एक और पी स्क्वायर वाला भी कर लेते हैं, थोड़ा अलग है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां ए की जगह पे क्या है पी स्क्वायर, अब बी की जगह पे है 1, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, देखने समझ में आ रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते ही हैं। तो ए स्क्वायर मतलब ये पी स्क्वायर ऑलरेडी, अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 2 into p² into 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर, क्यों होगा भाई ये, ठीक है ये होता है, इसीलिए हमने इसको उसी को यूज करके यहाँ पे एक्सपेंड किया है। अब देखिए स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो पावर 4 हो जाएगा, आप जानते हैं पावर का पावर तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4, अब 2 1 2 पी स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें 103 का स्क्वायर निकालना है, 97 का स्क्वायर निकालना है, 9.9 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालना है तो यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। अब आप चाहें तो 103 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 103 into 103, अब मल्टीप्लाई करिए 103 में 103 से, क्या गया 10609, ये हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर किए हैं। अब आइडेंटिटी का यूज करके कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 plus 3 to the whole square, अभी a प्लस बी के स्क्वायर में हो गया तो a स्क्वायर प्लस 2 into a into b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जो भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, और ये जब आप सॉल्व करेंगे ओके, सो यहाँ पे बी की जगह पे हमने 3 लिखना है, 2 3 600 और प्लस 3 3 9, अब आप इसको प्लस करिए 10,609, देख रहे हैं ना, जो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया
जो आया वही हमारे इस आइडेंटिटी से भी सेम वही आ रहा है ना, इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। अब 97 कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। अभी 9.9 कैसे करेंगे, इसको एक बार थोड़ा हम लोग करते हैं, ये थोड़ा आपको तकलीफ हो सकता है 9.9 वाला। तो देखिए 9.9 में अगर आप 0.1 ऐड कर दें तो 10.0 हो जा रहा है। अब आप सोचे होंगे कैसे 0.1 कर लिए, तो 10.0 में से आप 9.9 माइनस कर लीजिए तो आप पाएंगे 0.1 आ रहा है, यानी कि 9.9 में 0.1 जुड़ेगा तो 10.0 हो जाएगा। या ये कहिए 10.0 में 0.1 घटाएंगे तो 9.9 हो जाएगा, ये थोड़ा डेसिमल में है इसलिए थोड़ा तकलीफ होता है। तो हम लोग 9.9 की जगह लिख देते हैं 10.0 माइनस 0.1 एंड देन होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 10.0 में देखिए 0.1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, 10 में से बन गया 9.9 आ रहा है ना। 10.0 में 0.1 घटना है तो 9.9 आ रहा है, मतलब 9.9 के लिए हम लोग इतना इसको एक्सपेंड करके इस तरह से लिख देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठ गया, दिस इज a माइनस एंड b एंड दिस इज होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। अब 10.0 है तो 10 ही समझ, 10 का स्क्वायर होता है 100, 0.00। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 2 × 10, 20 × 0.1 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2.0 हो जाएगा। 0.01 का स्क्वायर किया 0.01 हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो सकता है कैसे हो गया, तो हुआ ऐसे, गुना करके चेक कर लेते हैं। 10.0 मतलब 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 2 × 10 ये क्या हो जाएगा 2 × 10 20 होगा। अब 20 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1 से, और रूल क्या है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए, 2.0, तो 2.0 हो गया। इसी तरह 0.1 को स्क्वायर करेंगे, 1 × 1 = 1, अब जोड़ेंगे 1 × 0 = 0। ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आप बहुत ऑलरेडी बनाए होंगे। 1 × 1 = 1, 1 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, 0 कर दिए। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, तो दो डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, क्या हो जाएगा 0.01, वही लिखा गया है। अब आपको सॉल्व करना है, 100 में से 2 घटाइए और 0.1 जोड़ दीजिए, तो 100 में से 2 माइनस करिएगा तो 98 होगा, और 98 में 0.01 जोड़िएगा तो 98.01 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। अब आप ये भी माइनस प्लस करके देख सकते हैं, आपको आता है आई एम श्योर कि आप डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते होंगे। चलिए अभी एक ये भी आइडेंटिटी के हेल्प से करना है, तो ये आपको लग रहा है ना, इसको a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके इसको यूज करके करते हैं इसको, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, यही होता है। तो जब आप 9984 में 16 ऐड करिएगा, ऐड करके आप देख लीजिएगा, हो जाएगा 10,000। और इसमें जब 16 माइनस करिएगा 8, 6,
तो ये आ जाएगा 9968। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप तो जानते हैं 10,000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 40 पुट कर देना राइट साइड में, ठीक है, आ गया आंसर। अब ये देखिए सेकंड नंबर क्या करेंगे, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 306 को हम लोग लिख सकते हैं 300 + 6, और इसको लिख सकते हैं 300 - 6। अब देखिए ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 300 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9000 और माइनस 36। अब इसमें आप 36 माइनस कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये डेसिमल वाला है, इसको आप खुद ट्राई करिए। अभी मैंने जो डेसिमल वाला बताया था उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा, ठीक है। आपको अगर डाउट हो तो क्या करिएगा, 100 इसमें से 100 घटा लीजिए और इसको 100 में से घटा लीजिए, जो नंबर आएगा वही आपको एक में जोड़ देना और एक में घटा लेना है, बन जाएगा, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करना है तो बहुत इजी है, इसको मैं क्या बताऊं, ये तो इतना इजी है कि आप खुद ही बना लेंगे। चलिए फिर भी बताते हैं, इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। तो पहले हम लोग सबसे सिंपलेस्ट दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 × a × b। अब यहाँ पे डॉट का मतलब, एलजेब्रा में जब इस तरह से डॉट हम लोग देते हैं, अगर वो डेसिमल नंबर नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया इसके लिए। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, और ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करिए, थ्री एक्स टू दी होल स्क्वायर 9x² 12xy, यहाँ माइनस है, अब ब्रैकेट में रहने देते हैं माइनस है क्योंकि, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x² माइनस 9x, माइनस रहता तो साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस प्लस में हो गया और प्लस माइनस में हो गया। तो आप देखेंगे ये 9x² और ये 9x² इक्वल है, तो 9x² में से 9x और घटाएंगे कट जाएगा, उसी तरह से 4y² और माइनस 4y² कट जाएगा, तो बचा क्या 12xy और 12xy, तो 12 और 12 कितना होता है 24xy। यही हो गया आपका आंसर। अब ये देखिए तो अगेन बहुत ईजी है, एल माइनस 3m² एल स्क्वायर माइनस 2 × l × 3m प्लस 3m² ये कहाँ से आ गया, तो इसके जगह पे ये आ गया। अभी आपका ये बचा है 6lm, तो प्लस 6lm कर देते हैं। अब सॉल्व करिए, एल स्क्वायर माइनस 2 × 3 = 6lm प्लस 3 × 3 = 9m² प्लस 6lm। अब देखिए 6lm प्लस और 6lm माइनस कट गया, क्या बचा एल स्क्वायर प्लस 9m². तो बेसिकली बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा आपको बस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा 2-3 सवाल बना रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये भी इजी है, यहाँ a प्लस बी, a की जगह पे s स्क्वायर t है, तो s स्क्वायर t होल स्क्वायर प्लस 2 × s² t³² प्लस का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो इसके प्लेस को हमने एक्सपेंड किया, ठीक है, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। अब ये बचा हुआ माइनस 2s t³, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 4s² t² और q² हो जाएगा, है ना, होल में है तो सभी पर स्क्वायर लग जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4
एस स्क्वायर टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर एस का पावर फोर और टी स्क्वायर, यहाँ पे टू एस स्क्वायर, टी भी दो को है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये भी स्क्वायर हो गया और क्यू भी स्क्वायर है प्लस। अब यहाँ एल का भी स्क्वायर होगा और क्यू का स्क्वायर मतलब फोर, अब माइनस फोर एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा तो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर हो रहे हैं, तो यहाँ हम लोग टू में से फोर को माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको तो चलिए वैसे ही रखते हैं एस फोर टी स्क्वायर, अब प्लस टू अब माइनस फोर, माइनस फोर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ये हो गया हमारा आंसर। हालांकि इसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर टी माइनस टी क्यू स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसको हम लोग अभी थोड़ा सा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा फिर से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आगे एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है तो देख रहे ना, बस हम लोग क्या करना है वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पर इसको 1.67 into 1.67, 1.67 to the whole square हो जाएगा, उसी तरह से 0.33 का whole square होगा। अब a square minus b square क्या होता है, a plus b into a minus b, 1.67 में 0.33 जुड़ेगा तो 2.0 हो जाएगा और ये 1.3 हो जाएगा फोर, ठीक है। अब आप गुना कर दीजिए, टू को इसमें गुना करिएगा तो टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, 2.68 2.68 आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी, इसको आप ट्राई करिए ये बन जाएगा, है ना। अब ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या पता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, गिवन देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 14 है, x प्लस वाई के अगर हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 14 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इक्वेशन का एक रूल होता है, जो हम लेफ्ट हैंड साइड में करते वही हमें राइट हैंड साइड में करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया, होल का स्क्वायर कर दिया, तो राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब आप इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली वाई स्क्वायर को लास्ट में रहता है लेकिन बीच में करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196, ठीक है, 196 हो गया इसका स्क्वायर। अब देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ आपको एक्स वाई का वैल्यू पता है 48, तो ये जो 2xy है xy की जगह पे 48 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 196, ओके। अब नेक्स्ट से हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 इंटू 48 क्या होता है 96, और राइट हैंड साइड में तो 196 है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहीं पे रखते हैं, 96 को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वेशन का रूल है,
जब हम साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, प्लस 96 उधर जाएगा तो माइनस 96 हो जाएगा, और 196 में 96 को घटाएंगे तो 100, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें, 100। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ओके, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है आपको अभी जितना बताया गया है आप थोड़ा इसी पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपके लिए न्यू टॉपिक्स है, थोड़ा स्लो चलेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी जो जो आपको बताया गया, इतना जो मैंने प्रैक्टिस कराया है ना, आप इस पर थोड़ा और प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं, एक बार खुद से करें, जो बने हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को खुद से करें, या जो छूट गए हैं जो मैंने आपको नहीं बताया है उनको आप बनाने का प्रयास करें, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि जो फॉर्मूलाज है जो यहाँ पे मैंने लिखवाया है इनको आप हमेशा याद रखें, ठीक है, जो आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। बेसिकली हमने सभी पार्ट को कवर कर लिया है, बस अब क्या करना है कि थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना है फॉर आवर बेटर प्रैक्टिस, राइट। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग बचे हुए जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।